एक बार फिर से मैं आपका अपना दोस्त अभिषेक प्रजापति अपने यूट्यूब चैनल एस क्लासेस द सिंबल ऑफ सक्सेस पर आप लोगों का स्वागत करता हूँ और उम्मीद करता हूँ आप लोगों को मेरी इस सेशंस की सभी वीडियो पसंद आ रही होंगी। ये वीडियोस जो हैं, ये क्वेश्चंस जो हैं, आप लोगों को एग्ज़ाम में डिक्टो मिल जाएंगे, ये मेरा आप लोगों से प्रॉमिस है। इसे लगातार इस सीरीज को देखते रहिए, अपनी नोटबुक पर पेन डाउन करते रहिए। यहाँ मैं आप लोगों को देखिए एक क्वेश्चंस के साथ एक्सप्लेनेशन में 3 से 4 क्वेश्चंस बता देता हूँ, तो जितनी एक्सप्लेनेशन मैं आप लोगों को देता हूँ वो सब अपनी कॉपी पे वीडियो को रोक रोक के पूरी देखिएगा और कॉपी पे नोट डाउन करते जाइए। और हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो मैं आप लोगों को टेलीग्राम चैनल का लिंक देता हूँ, वहाँ से टेलीग्राम चैनल पर आप लोग ज्वाइन कर लीजिए, जिससे क्या होगा कि आप लोगों को ये जो क्वेश्चंस हैं इनकी PDF वहाँ से मिल जाएगी, तो आप लोग डायरेक्टली PDF निकाल लेंगे और जो मैं सॉल्यूशन आप लोगों को करा रहा हूँ तो सॉल्यूशन वहाँ पर टिक कर लेंगे। और देखिए जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे क्या होगा कि आप लोगों को जो है मेरी सभी सेशंस की वीडियोस का नोटिफिकेशन मिल जाएगा और आप लोग उसे देख पाएंगे, जो आप लोगों के लिए काफ़ी कारगर होगा। तो देखिए लगातार कमेंट्स करते रहिए, फीडबैक अपना देते रहिए। आप लोगों के लिए मैं बहुत जल्द एक नई सीरीज लेके आने वाला हूँ जो आप लोगों के एग्ज़ाम्स के लिए काफ़ी कारगर होगी। और अपने दोस्तों को वीडियो शेयर करते रहिए, चैनल का लिंक शेयर करते रहिए। चलते हैं देखिए आज के सेशंस की तरफ। आज के सेशंस का पहला क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन के सामने है। क्वेश्चन लिखा है देखिए ग्रीन हाउस प्रभाव किस गैस के कारण होता है। तो देखिए ग्रीन हाउस का मतलब क्या है कि जो हमारी पृथ्वी का टेम्परेचर बढ़ रहा है वो ग्रीन हाउस का कारण है, या ग्लोबल वार्मिंग भी हम लोग कह सकते हैं, ग्लोबल वार्मिंग का कारण है। तो देखिए जो ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए उत्तरदायी गैस है, सबसे पहले क्वेश्चंस के बारे में बात कर लूँ तो ए ऑप्शन में नाइट्रोजन लिखा है, बी ऑप्शन में ऑक्साइड लिखा है, सी ऑप्शन में कार्बन डाइऑक्साइड लिखा है, डी ऑप्शन में हाइड्रोजन। तो यहाँ पर जो हम लोगों का आंसर है वो क्या है, सी सही है, मतलब जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए उत्तरदायी गैस है यहाँ पर। लेकिन देखिए ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए और भी जो है उत्तरदायी गैस है, जैसे उनमें से एक है CFC। CFC मतलब क्लोरोफ्लोरोकार्बन। देखिए कई बार फुल फॉर्म पूछ ली जाती है CFC की, तो क्या होता है, सी से क्लोरो, एफ से फ्लोरो और सी से फिर से कार्बन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। CO2, CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड, और NO2, NO2 मतलब नाइट्रोजन ऑक्साइड। ये चारों गैसें मतलब कार्बन डाइऑक्साइड, CO2, CFC और NO2 और एक और मैंने बोल दी कार्बन मोनोऑक्साइड CO, ये जो हैं चारों ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए उत्तरदायी गैसें मानी जाती हैं। अब यहाँ पर मैं आप लोगों को बता दूं जो ओजोन परत है अपनी, उसे सबसे ज़्यादा जो क्षति पहुँचाने वाली गैस है वो क्या है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन अगर बिहेव में बात करें कहाँ से आती है, तो देखिए सबसे ज़्यादा जो AC है, AC से और फ्रिज से जो गैस निकलती है वो क्लोरोफ्लोरोकार्बन होती है। इससे अगले क्वेश्चंस की तरफ चल रहे हैं, उम्मीद करता हूँ समझ गए होंगे पूरे क्वेश्चंस के बारे में। अगला क्वेश्चन लिखा है देखिए कौन सी अक्षांश रेखा भारत के मध्य से होकर गुजरती है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि कौन सी अक्षांश रेखा भारत के मध्य से होकर गुजरती है। तो देखिए अगर मैं आप लोगों से बात करूं तो ये ग्लोब बना हुआ है, इस ग्लोब में जो 0 डिग्री पर है उसे हम लोग कहते हैं क्या, भूमध्य रेखा या इक्वेटर। अब ये 0 डिग्री पर है इक्वेटर। अब देखिए अगर मैं एक देशांतर ऐसे खींच दूँ तो भारत की जो स्थिति है वो उत्तर पूर्व है। उत्तर पूर्व मतलब यहाँ पर ये जो मैं डार्क कर रहा हूँ यहाँ पर कहीं भारत स्थित है, तो यहाँ भारत स्थित है, यहाँ से गुजरने वाली रेखा देखिए उत्तरी गोलार्ध में 23.5 डिग्री पर रेखा जो खींची जाती है वो भारत के ठीक मध्य से गुजरती है। यानी कि हमारे क्वेश्चन का आंसर क्या है, सी, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा जो है भारत के मध्य से गुजरती है। अब देखिए यहाँ पर अगर मैं भारत के अक्षांश ग्राफ की बात करूँ तो देखिए भारत जो स्थित है वो 6 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट, फिर से देख लीजिए 6 डिग्री 4 मिनट से लेकर क्या 37 डिग्री 6 मिनट पर भारत स्थित है। तो भारत उत्तर पूर्व में स्थित है और यहाँ पर भारत के मध्य से जो रेखा गुजरी वो क्या 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, कर्क रेखा भी कहते हैं। और ये रेखा भारत के कितने स्टेट से होकर गुजरती है, 8 स्टेट से होकर गुजरती है। याद रखेंगे, एक सेशन में मैं आप लोगों को इस सब के बारे में बताऊंगा। अगले क्वेश्चंस की तरफ देखिए चल रहे हैं। 10 डिग्री चैनल
किसके बीच स्थित है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पर मैं आप लोगों से 10 डिग्री चैनल के अतिरिक्त दूसरे चैनल्स के बारे में भी बात करूँगा। देखिए सबसे पहले क्वेश्चन का आंसर मैं बता दूँ आप लोगों को कि जो 10 डिग्री चैनल है वो लिटिल अंडमान और कार निकोबार के मध्य स्थित है। लिटिल अंडमान मतलब छोटा अंडमान और कार निकोबार, यानी कि ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, छोटा अंडमान एवं कार निकोबार। अब देखिए अगर आगे क्वेश्चन के बारे में मैं बात करूँ आप लोगों से 8 डिग्री चैनल के बाद, देखिए एक चैनल होता है, सॉरी 10 डिग्री चैनल के बाद देखिए अगर मैं बात करूँ 8 डिग्री चैनल की, तो जो 8 डिग्री चैनल है वो किस किस के मध्य, जैसे 10 डिग्री चैनल के बारे में बात की थी, तो जो 8 डिग्री चैनल स्थित है वो स्थित है मालदीप और मिनिकाय के मध्य। मालदीप और किसके मध्य, मैंने बोला आप लोगों से 8 डिग्री चैनल वो स्थित है मालदीप और किसके मध्य, मिनिकाय के मध्य। क्लियर होगा मालदीप और मिनिकाय के मध्य कौन सा डिग्री चैनल है? 8 डिग्री चैनल है, याद रखेंगे आप लोग। जस्ट अगले के बारे में बात करूँ तो 9 डिग्री चैनल के बारे में मैं आप लोगों से बात कर रहा हूँ, तो जो 9 डिग्री चैनल है वो स्थित है लक्षद्वीप और मिनिकाय के बीच, किसके मध्य, लक्षद्वीप और मिनिकाय के मध्य। अगर उल्टा क्वेश्चन मैं आप लोगों से पूछ लूँ लक्षद्वीप और मिनिकाय के मध्य कौन से डिग्री चैनल है, तो कौन सा डिग्री चैनल आप लोगों का आंसर होगा? 9 डिग्री चैनल। अगर मैं पूछूँ आप लोगों से 10 डिग्री चैनल किसके मध्य है, तो छोटा अंडमान और कार निकोबार के मध्य। क्लियर होगा क्वेश्चन। आगे चल रहे हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए एस क्लासेज हम लोगों की जो है यूट्यूब चैनल, लगातार आप लोग बने रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है। देखिए भारत का पूर्वी तट किस नाम से जाना जाता है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो देखिए भारत का जो पूर्वी तट है वो कहलाता है कोरोमंडल तट। कौन सा कहलाता है? कोरोमंडल तट कहलाता है। अब बात आ जाती है कि ये पूर्वी तट कहाँ से कहाँ तक है, तो देखिए जो भारत का पूर्वी तट है बंगाल की खाड़ी वाले हिस्से में बात करूँ तो दक्षिण में कन्याकुमारी से लेकर जो है पश्चिम बंगाल के डेल्टा तक जो है फैला है हम लोगों का क्या पूर्वी भाग, जिसे हम लोग कहते हैं क्या कोरोमंडल तट के नाम से जानते हैं। अगर बात करें पश्चिमी भाग की, तो पश्चिमी तट को हम लोग कहते हैं कोंकण तट, और ये कोंकण तट जो है अगर बात करें तो कहाँ से कहाँ तक है, गुजरात से गोवा तक का जो हिस्सा है उसे हम पश्चिमी तट कहते हैं, जिसे हम कोंकण तट के नाम से भी जानते हैं। गुजरात और कहाँ तक, गोवा तक, याद रखेंगे आप लोग। अगर मैं बात करूँ इसी में देखिए मालाबार तट के बारे में, तो जो सी ऑप्शन में लिखा है मालाबार तट, इसके बारे में मैं आप लोगों से बात करूँ तो देखिए जो मालाबार तट है वो कर्नाटक के मंगलोर से लेके कहाँ तक, कन्याकुमारी तक। मंगलोर से कन्याकुमारी तक का जो हिस्सा है उसे हम लोग कहते हैं क्या, मालाबार तट के नाम से जानते हैं। उम्मीद है समझ गए होंगे आप लोग। अगले क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं। देखिए अगला क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पे है, बहुत ही इंपॉर्टेंट। एशिया का सबसे बड़ा लौह इस्पात उत्पादक देश, देखिए एशिया के बारे में बात कर रहे हैं, तो एशिया का जो सबसे बड़ा लौह उत्पादक देश है वो है चाइना। अगर बर्ड के बारे में बात करता हूँ तो देखिए बर्ड में सबसे ज़्यादा जो लौह इस्पात उत्पादक देश है वो क्या है, बर्ड के बारे में बात करूँ तो बर्ड में है जापान। और अगर एशिया के बारे में बात करूँ तो एशिया में क्या है, चीन। हमारे क्वेश्चन का आंसर क्या है, चीन। इससे अगले क्वेश्चन की तरफ देखिए हम लोग चल रहे हैं। अगला क्वेश्चन लिखा है एशिया का सबसे, यह हो चुका है देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संसद में शामिल है, बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन है। देखिए भारत की जो संसद है वो मिलके बनी होती है राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा से, तो यहाँ पर ऑप्शन में राष्ट्रपति तो ज़्यादा नहीं लिखा है, लेकिन इम्पोर्टेंट सबसे ज़्यादा जो होता है संसद में, जो संसद के सदन होते हैं वो होते हैं दो, लोकसभा और राज्यसभा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। आर्टिकल 80 और आर्टिकल 81, 80 में लोकसभा और 81 में राज्यसभा, देख लीजिए संविधान में। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग चल रहे हैं। देखिए अगला क्वेश्चन लिखा है गुप्त शासकों द्वारा जारी किए गए चांदी के सिक्के कहलाते हैं। देखिए जो गुप्त शासकों ने जो है चांदी के सिक्के जारी किए थे उन सिक्कों को हम लोग कहते हैं रूपक, तो आंसर हम लोगों का क्या है, डी सही है। अब देखिए जो उस समय के सोने के सिक्के थे वो कहलाते हैं क्या, दीनार। किसके सिक्के के बारे में बात कर रहा हूँ, सोने के जो सिक्के थे वो क्या कहलाते हैं, दीनार कहलाते थे, ठीक है। आगे चल रहे हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन लिखा है भारत में उच्चतम न्यायालयों में न्यायाधीशों की संख्या
बढ़ाने का अधिकार किसके पास होता है? तो देखिए, जो सुप्रीम कोर्ट है उसके बारे में बात कर रहा हूँ। देखिए, इस सीरीज की जो डेली एग्ज़ाम डोज का पार्ट वन है उसमें एक पहला ही क्वेश्चन है, तो ध्यान रखेंगे। उस समय मैंने जो है मिस्टेक से कुछ गलत भी बता दिया हो था। एक बच्चे ने जो है कमेंट करके मुझे बताया था कि भैया ये क्वेश्चन आप देख लीजिएगा, तो मैं आप लोगों को आज क्लियर कर दे रहा हूँ कि वर्तमान में जो सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की संख्या है वो बढ़ा दी गई है और वर्तमान में हो गई है 33+1, यानी कि 34 हो गई है वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की संख्या। अब अगर मैं इस क्वेश्चन के बारे में बात करूं, तो देखिए, सुप्रीम कोर्ट में जो न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाने का अधिकार होता है वो भारत की संसद के पास होता है। किसके पास होता है? भारत की संसद के, यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, याद रखिएगा कि जो सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीश होते हैं उनकी संख्या घटाने या बढ़ाने का जो अधिकार है वो भारत की संसद को दिया गया है। अगले क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं। देखिए, अगला क्वेश्चन लिखा है, भारत में सचिव का पद किसके द्वारा निर्मित किया गया है? अगर मैं बात करूं सचिव के पद की, तो भारत में जो सचिव का पद निर्मित किया गया था वो भारत सरकार अधिनियम 1858 के तहत जो है ये सृजित किया गया था। भारत में जो सचिव पद का सृजन था वो भारत सरकार अधिनियम 1858 के तहत जो है सृजित किया गया था। और इसके तहत ही जो है भारत में क्या हुआ कि 15 सदस्यीय भारतीय परिषद का गठन किया गया। याद रखेंगे आप लोग, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, मार्ले मिंटो सुधार 1909 और मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार 1919। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार का सन पूछ लेता है तो ये कब हुआ था? 1919। और इसी की क्वालिटी में आप लोगों को बता देता हूँ, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार 1919 की देखिए क्या हुआ था। 1919 में द्वैध शासन प्रणाली प्रांतों में लाई गई थी। क्या था? द्वैध शासन प्रणाली का जो है प्रारंभ हुआ, द्वैध शासन प्रणाली का प्रारंभ हुआ मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार 1919 के तहत कहाँ पर? प्रांतों में। और भारत सरकार अधिनियम 1858 के तहत सचिव पद का सृजन हुआ और 15 सदस्यों की भारतीय परिषद का सृजन किया गया, याद रखेंगे। अगले क्वेश्चन की तरफ देखिए मैं चल रहा हूँ। अगला क्वेश्चन लिखा है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज स्वीकार कर लिया? देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की बात हो रही है तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गठन के बारे में बता दूं, 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन ए ओ ह्यूम के द्वारा किया गया भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन 1885 में। अब देखिए, बात कर रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज स्वीकार कर लिया था। तो देखिए, पूर्ण स्वराज की मांग आप लोग जानते हैं 1926 में कर दी गई थी, लेकिन ये जो स्वीकार कर लिया गया ये कांग्रेस के जो है लाहौर अधिवेशन में, जो कि 1929 को हुआ था। और इसकी जो अध्यक्षता की थी पंडित नेहरू ने की थी, पीटी नेहरू ने इस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। याद रखेंगे कि किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज स्वीकार कर लिया गया, तो अधिवेशन था लाहौर का अधिवेशन, कब हुआ? 1929 में। और इस अधिवेशन की अध्यक्षता करने वाले कौन थे? पंडित नेहरू थे। अगले क्वेश्चन की तरफ देखे चल रहे हैं। अगला क्वेश्चन लिखा है, नरम दल तथा गरम दल के बीच मतभेद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस सम्मेलन में हुआ? कहने का मतलब है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस किस अधिवेशन में या किस सम्मेलन में विभक्त हो गई थी, तो कहाँ किस किस में विभक्त हुई थी? गरम दल में और नरम दल में। तो देखिए, ये सूरत का अधिवेशन है। सूरत अधिवेशन हुआ कब था? 1907 में। इस अधिवेशन में क्या हुआ कि इस अधिवेशन के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो है दो भागों में विभाजित हो गई, एक बना गरम दल और दूसरा बना नरम दल। देखिए आगे चल रहे हैं, अगला क्वेश्चन, जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह कहाँ स्थित है? बहुत ही आसान क्वेश्चन है कि जो पंडित नेहरू जवाहरलाल बंदरगाह है वो स्थित है कहाँ पर? मुंबई में स्थित है। देखिए यहाँ पर एक और अच्छा क्वेश्चन मैं आप लोगों को बता दूँ कि जो चेन्नई बंदरगाह है वो भारत का कृत्रिम बंदरगाह है और सबसे पुराना बंदरगाह है। फिर से याद रखेंगे, जो चेन्नई का बंदरगाह वो कैसा है? कृत्रिम बंदरगाह है और भारत का सबसे पुराना बंदरगाह है। अगले क्वेश्चन की तरफ देखिए हम लोग चल रहे हैं। अगला क्वेश्चन लिखा है, पित्त मनुष्य के किस शरीर में कहाँ स्रावित होता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम की दृष्टि से, आप लोग रट लीजिए बहुत अच्छे से इन सीरीज को, एक एक क्वेश्चन को लिख लीजिए और आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताते रहिए कि आप लोग कोई भी एग्ज़ाम दे के आएंगे जब भी, कि किस सीरीज से कौन सा क्वेश्चन मिला। आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज मैं चला रहा हूँ, छाट छाट के क्वेश्चन मैं बुक से आप लोगों को लिए लेके आ रहा हूँ। किसी ना किसी एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन आए हुए हैं, आप लोग लगातार बने रहिए एस क्लासेज के साथ।
लिखा हुआ है। देखिए पित्त मनुष्य के शरीर में कहाँ स्रावित होता है, देखिए पित्त के स्रावित होने की बात कर रहे हैं ना कि इकट्ठा होने की। इकट्ठा तो पित्ताशय में होता है, लेकिन स्रावित होता है कहाँ पर, यकृत में स्रावित होता है। याद रखेंगे जो यकृत है वो मनुष्य शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि भी है, लीवर जो है भारत मनुष्य शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि भी है। और देखिए इस यकृत में पित्त रस के स्रावित होने के साथ साथ, दो मैं आप लोगों को और बता दे रहा हूँ कि एक हिपेरिन यहीं से स्रावित होता है। हिपेरिन भी कहाँ से स्रावित होता है, यहीं से स्रावित होता है हिपेरिन भी। और अगर दूसरी बात करूँ मैं, हिपेरिन के साथ साथ एक और प्रोटीन है जो रक्त का थक्का बनने में सहायक होता है, फाइब्रिनोजन। फाइब्रिनोजन प्रोटीन भी स्रावित होता है हमारे कहाँ से, यकृत से। देखिए आप लोग जानते हैं कि रक्त का थक्का बनने में सहायक है फाइब्रिनोजन, और रक्त का थक्का नहीं जमने देता क्या, हिपेरिन। याद रखेंगे रक्त का थक्का नहीं जमने देता हिपेरिन। देखिए मनुष्य की जो बॉडी होती है, जैसे चोट लग जाती है तो कुछ देर के बाद ब्लीडिंग रुक जाती है, तो रुक जाती है उसका कारण क्या है, फाइब्रिनोजन। लेकिन अब दिमाग में क्वेश्चन से भी आया होगा बच्चों के कि भैया फिर जब कुछ देर बाद ब्लीडिंग रुक जाती है यानी कि रक्त का थक्का नहीं जमता, फाइब्रिनोजन के कारण, बात सही है, लेकिन हमारी बॉडी में जो ब्लड सर्कुलेशन होता है वो क्यों नहीं जमता है, तो वो नहीं जमता किसके कारण, हिपेरिन के कारण नहीं जम पाता है ब्लड। याद रखेंगे आप लोगों के लिए मैं बहुत जल्द ही एक बायो की सीरीज लेके आने वाला हूँ। अगले क्वेश्चन की तरफ देखिए मैं चल रहा हूँ। अगला क्वेश्चन लिखा है, जीव विज्ञान की दृष्टि से शरीर के सभी प्रकार के उद्दीपनों का ग्रहण किस तंत्र द्वारा किया जाता है। देखिए उद्दीपनों का जो ग्रहण किया जाता है वो तंत्रिका तंत्र के द्वारा किया जाता है, हमारे न्यूरॉन सिस्टम के द्वारा किया जाता है। यहाँ पर मैं आप लोगों को बता दूँ कि मनुष्य शरीर का एक ऐसा अंग हृदय है जो कभी रेस्ट नहीं करता है। अगर इसने रेस्ट कर लिया तो देखिए मनुष्य क्या हो जाता है, डेड हो जाता है। अब ब्रक के बारे में बात करूँ, गुर्दे के बारे में बात करूँ, तो देखिए इस ब्रक को, गुर्दों को जो है क्या कहा जाता है, फिल्टर, शरीर का फिल्टर भी कहा जाता है, ये ब्लड को फिल्टर करता है। और देखिए जो ब्रक की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होती है उसे ब्रकाणु कहते हैं, इसीलिए उसे क्या कहा जाता है, ब्रकाणु। और इंग्लिश में कभी कभी क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है कि जो है किडनीज की जो संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है वो क्या होती है, तो इंग्लिश में अगर मैं ब्रकाणु का नाम बताऊँ तो इंग्लिश में इसे कहा जाता है क्या, नेफ्रॉन, इसकी संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है। हिंदी में इसका नाम क्या है, ब्रकाणु, याद रखेंगे आप लोग। अगले क्वेश्चन की तरफ मैं चल रहा हूँ। अगला क्वेश्चन लिखा है, पेचिस रोग के लिए उत्तरदायी प्रोटोजोआ है, तो देखिए पेचिस रोग के लिए जो उत्तरदायी प्रोटोजोआ है वो है क्या है, एंटी अमीबा है, ए ऑप्शन बिल्कुल क्लियर है इसके लिए। और यहाँ पर मैं आप लोगों को बता दूँ कि पेचिस के रोग में हम लोगों की जो है प्रभावित हो जाती है आंत। कभी कभी ये भी पूछ लेता है कि इस रोग में जो है कौन सा जो है शरीर का अंग प्रभावित होता है, तो कौन सा अंग प्रभावित होता है, आंत। और उसके लिए उत्तरदायी जो बैक्टीरिया है, जो प्रोटोजोआ है, वो क्या है, एंटी अमीबा है। अगले क्वेश्चन की तरफ देखिए हम लोग बढ़ रहे हैं। अगला क्वेश्चन हम लोगों का स्क्रीन पर है, मनुष्य शरीर की सबसे लंबी हड्डी है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो मनुष्य शरीर की सबसे लंबी हड्डी है वो जांघ की हड्डी होती है, जिसे किस नाम से जाना जाता है आप लोग जानते हैं, जिसे हम लोग कहते हैं फीमर। जांघ की हड्डी है सबसे लंबी, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, फीमर कहते हैं। अब देखिए अगर पूछा जाए शरीर की सबसे छोटी हड्डी, तो शरीर की सबसे छोटी जो हड्डी होती है, शरीर की सबसे छोटी हड्डी होती है कान की हड्डी, जिसे हम लोग कहते हैं किस नाम से जानते हैं, स्टेपिस के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है, स्टेपिस के नाम से जाना जाता है, क्लियर होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ देखिए चल रहे हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन लिखा है, ट्यूबलाइट में मुख्य रूप से गैस भरी होती है, जो ट्यूबलाइट होती है उसमें कौन सी गैस भरी होती है, तो इजी क्वेश्चन से, पारे की बाष्प और आर्गन भरी होती है, किसमें, ट्यूबलाइट में। और देखिए यहीं पर मैं आप लोगों को बता दूं कि जो ट्यूबलाइट होती है वो बनी होती है सोडा कांच की। किसकी बनी होती है ट्यूबलाइट, अपनी सोडा कांच की बनी होती है, जो फ्लिट कांच होता है, सोडा कांच होता है, कई तरह के कांच होते हैं, क्वार्टज होता है, तो उसमें जो है एक सोडा कांच होता है जिसकी बनी हुई होती है क्या, ट्यूबलाइट बनी होती है, ट्यूबलाइट में भरा होता है पारे की बाष्प और आर्गन। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग चल रहे हैं। देखिए अगला क्वेश्चन लिखा है, द फ्यूचर ऑफ इंडिया पॉलिटिक्स इको इकोनॉमिक्स एंड गवर्नेंस नामक पुस्तक। देखिए इकोनॉमिक्स से संबंधित पुस्तक सीधी सी बात है कि गवर्नर ने लिखी, और गवर्नर कौन है यहाँ पर, बिमल जालान, मतलब ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। देखिए यहाँ पर एक बहुत अच्छा नाम लिखा है, जिसका क्या लिखा है, अमिताभ घोष। इनके बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर ले रहा हूँ कि जो अमिताभ घोष है, इनकी एक पुस्तक है बहुत ही इंपॉर्टेंट, एग्जाम में पूछी गई, सर्किल ऑफ रीजन। अमिताभ घोष की पुस्तक का नाम मैं आप लोगों को बता रहा हूँ क्या, सर्किल
ऑफ रीजन, सर्किल ऑफ रीजन किसकी पुस्तक है? अमिताभ घोष की। और अगर क्वेश्चंस पूछी जाए द फ्यूचर ऑफ इंडिया पॉलिटिक्स इकोनॉमिक्स एंड गवर्नेंस, तो ये पुस्तक किसकी थी? बिमल जालान की। अगले क्वेश्चंस की तरफ हम लोग चल रहे हैं। देखिए अगला क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पर है, लिटिल कॉर्पोरल के नाम से कौन प्रसिद्ध है? तो देखिए लिटिल कॉर्पोरल कहा जाता है नेपोलियन बोनापार्ट को, जो 1815 की लड़ाई में हार गया था, वाटरलू के युद्ध में हार गया था। अगले क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं। देखिए अगला क्वेश्चन लिखा है, मुगलों के विरुद्ध इस्तेमाल की गई शिवाजी की युद्ध नीति थी? तो देखिए शिवाजी की कौन सी युद्ध नीति फेमस है, जिसे हम लोग कहते हैं छापामार युद्ध। देखिए इसी का दूसरा नाम मैं आप लोगों को बता देता हूँ, कई बार पूछा गया तुगलुमा भी कहा जाता है। इस छापामार युद्ध को क्या कहा जाता है? तुगलुमा भी कहा जाता है। पर देखिए ये क्या था, ये भी इसके बारे में बता देता हूँ कि जो छापामार युद्ध था इसका मतलब था कि सेना को छोटी छोटी टुकड़ियों में बांट दिया जाता था, और वो सेना की छोटी छोटी टुकड़ी जो है मौका देख के छापा मारती थी, युद्ध कर लेती थी और दूसरों को हरा देती थी। इस युद्ध नीति का प्रयोग करने वाला कौन था? शिवाजी महाराज थे। अगले क्वेश्चन की तरफ देखिए हम लोग चल रहे हैं। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा अस्पृश्यता को खत्म किया गया, बहस की किसी भी रूप में होने से मना किया गया? तो देखिए जो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 17 है वो अस्पृश्यता का अंत करता है, छुआछूत का अंत करता है। तो आंसर हमारा क्या है? ऑप्शन बी सही है। देखिए सबके बारे में डिस्कस कर दे रहा हूँ। आर्टिकल 18 क्या है? उपाधियों का अंत। याद रखेंगे उपाधियों का अंत किस में? आर्टिकल 18 में। और बात करूँ मैं आर्टिकल 15 की, तो देखिए आर्टिकल 15 में धर्म, जाति, वंश या लिंग के आधार पर जो है कोई भी मतभेद नहीं किया जाएगा। ये कौन सा आर्टिकल? 15। अगर बात करूँ मैं आर्टिकल नंबर, आप लोगों से बात करूँ किसके बारे में, ऑप्शन नंबर ए के बारे में, आर्टिकल 16 के बारे में, तो लोक नियोजन के अवसरों में समानता आर्टिकल 16 के बारे में बताता है। फिर से डिस्कस कर रहा हूँ, आर्टिकल 16 लोक नियोजन के अवसरों में समानता, आर्टिकल 17 अगर पूछा जाए तो अस्पृश्यता का निषेध, आर्टिकल 15 पूछा जाए तो लिंग, जाति, मूल, वंश के आधार पर मतभेद नहीं किया जाएगा, और आर्टिकल 18 पूछा जाए तो उपाधियों का अंत कर दिया गया था इसके द्वारा। याद रखेंगे बहुत इंपॉर्टेंट है चारों। आगे अगला क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पे है कि लोकसभा का अध्यक्ष किसको संबोधित कर त्यागपत्र लिखकर अपना पद त्याग सकता है? तो जो लोकसभा का स्पीकर होता है वो अपना पद त्याग का जो रिजाइन लेटर देता है वो लोकसभा के उपाध्यक्ष को देता है, मतलब ऑप्शन सी सही है। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं। अगला क्वेश्चन लिखा है, फिलीपींस के उष्णकटिबंधीय चक्रवात को क्या कहते हैं? तो देखिए जो फिलीपींस का चक्रवात है उसे हम लोग कहते हैं टाइफून। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि फिलीपींस का जो उष्णकटिबंधीय चक्रवात है उसे क्या कहते हैं? टाइफून कहते हैं, मतलब ऑप्शन ए सही है। अगर मैं अगले ऑप्शन के बारे में बात करूँ, बी बिलीबिली, तो देखिए जो फिलीपींस है वहीं की जो गर्म हवाएं हैं वो क्या कहलाती हैं? बिलीबिली कहलाती हैं। फिलीपींस की गर्म हवाएं क्या कहलाती हैं? बिलीबिली कहलाती हैं। अगर बात करूँ डी ऑप्शन की, बैगबियो, तो बैगबियो क्या है कि ऑस्ट्रेलिया की जो ठंडी हवाएं हैं, शीतल हवाएं हैं, देखिए उल्टा बोल दिया मैंने, कि जो बैगबियो है वो, बैगबियो क्या है? फिलीपींस की गर्म हवाएं हैं। बैगबियो क्या है? फिलीपींस की गर्म हवाएं हैं। और जो बिलीबिली हैं वो ऑस्ट्रेलिया की क्या है? ठंडी हवाएं हैं। याद रखेंगे आप लोग। अगले क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं। जूट के रेशे पौधे के किस भाग से प्राप्त किए जाते हैं? सिंपल क्वेश्चन है, जूट जो होता है, रेशा जो होता है वो कहाँ से मिलता है? तने से मिलता है। क्लियर होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं। देखिए इस सेशन का अंतिम क्वेश्चन, विश्व मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है? तो देखिए जो विश्व मानवाधिकार दिवस है वो 10 दिसंबर को मनाया जाता है। देखिए ये मनाया जाना प्रारंभ हुआ 1948 को, जब UNO की स्थापना हो गई 1945 को, तो मानवाधिकार दिवस को संशोधित दे दी गई 1948 को। याद रखेंगे विश्व मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है 10 दिसंबर को। देखिए ये सब क्लियर होगा। 15 अगस्त को मनाते हैं हम लोग क्या? स्वतंत्रता दिवस। 26 जनवरी को मनाते हैं हम लोग गणतंत्र दिवस। और 14 नवंबर को हम लोग मनाते हैं क्या? नेहरू जी के जन्मदिवस पर क्या? बाल दिवस। याद रखेंगे 14 नवंबर बाल दिवस, 10 दिसंबर जो है मानवाधिकार दिवस, 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस और 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस। तो देखते रहिए, लगातार बने रहिए एस क्लासेस के साथ, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। और मैं आप लोगों से बता रहा हूँ कि अपने ये क्वेश्चंस नोट डाउन करते रहिए, बहुत जल्दी मैं आप लोगों के लिए अगला सेशन
किसी और सब्जेक्ट से स्टार्ट करने वाला हूँ। कंटिन्यू बने रहिए मेरे साथ, करते रहिए अपनी एग्ज़ाम की तैयारी। इस लॉकडाउन के बाद जैसे ही वैकेंसीज आएंगी मैं आप लोगों के साथ उपस्थित होऊंगा सारे सेशंस के साथ, फुल टॉपिक के साथ। आप लोगों को विश्वास दिलाता हूँ जो चैनल के साथ लगातार बना रहेगा, जो चैनल्स की वीडियो को देखता रहेगा, नोट डाउन करता रहेगा, हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके वहाँ से PDFs डाउनलोड करता रहेगा, वो एग्ज़ाम्स में 100% सक्सेस होगा। इसी के साथ मैं आप लोगों से विदा चाहता हूँ। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।